जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अभी टाइम बज रहा है जी सुबह के 8:30। अच्छा जी, तो आप लोग भी कह रहे होंगे कि सुबह 8:30 बजे मैं क्यों उठ गया हूँ। आज ट्यूसडे है, आज मेरी यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी है। वो मैं इस वजह से उठाऊँ क्योंकि बाजी को ड्रॉप करना है NIH। वो मामा आपको बताएंगी कि आगे का सिलसिला। नहीं जी, हम लोग निकल गए जी अभी यहाँ पर रास्ते में, और आज जी मैंने उठा दिया है। अच्छा जी, क्या हाल है मामा? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बस छुट्टी का तो दिन है आज इब्राहिम की, लेकिन ये भी जरूरी है कि अब्बा जी को छोड़ने जाना है बाहर। अब उसकी टेस्टमेंट हुई है ना, ये इसमें तो भाई मेरी बैड न्यूट्रिशनिस्ट भी है। BS फूड एंड न्यूट्रिशन। डाइट प्लान शेयर बनवाना तो बताइए। ठीक है, डाइट प्लान अगर आप में किसी ने बनवाने हैं बच्चों के बड़ों के, लेबोरेटरी है बहुत बड़ी जिसमें फूड टेस्ट वगैरह किया जाता है। 30 इक्विपमेंट है। इस ये अप्रोच है अपनी स्टडीज के ऊपर, अपने हर चीज के ऊपर माशाल्लाह ऐसे ऐसे फॉर्मूले बताती है और ऐसे टर्म्स यूज करती है हमारे साथ कि ये तो भाई तो मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उसका, क्या भाई सीधी जुबान में हमसे बात क्या करो। तो निकड़े निकड़े इंग्लिश के वर्ड बोलती है। तो अभी चलते हैं, 10 मिनट लगेंगे हमें पहुंचने में, तो 10 मिनट बाद जो आपसे मिलते हैं। अगर हो सका तो विजिट से दिलवा लेंगे, थोड़ा सा आपको अभी दिखा देंगे कि कैसा है। अब तो बहुत चेंज हो गया पहले से, तो अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी दिखा देंगे। उनकी भी अपनी प्राइवेसी होती है एक तरह की, हम कैमरे में नहीं दिखा सकते। देखिए हमारा मोनूमेंट इस्लामाबाद शक्कर पड़ियां वाला भी अभी ये भी चेंज हो गया अंदर से। पूरी पार्टीशन के जो हिस्ट्री है ना वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप पिक्चर्स वगैरह सारा कुछ किया हुआ है कि यहाँ कायदे आजम बैठ के ये काम करते थे। ये जो हमारी नई जनरेशन है स्पेशली जो अभी ग्रोन अप हो रही है, तो उन लोगों को बच्चों को आके आप दिखाएंगे। भाई जो जो इस्लामाबाद में रहता है ना बहुत लकी है, इतने प्यारे शहर में जो है ना वो रहते हैं इस्लामाबाद के शहर। तो सरीना होटल भी दिखाता हूँ जहाँ पे डेलीगेशन वगैरह आते हैं, बाहर से क्रिकेटर्स आते हैं, हर टीम के क्रिकेटर्स जिस होटल में वो रहते हैं ना वो होटल भी इधर ही है। इस्लामाबाद में भी नई नई बसें भी चली हैं, ग्रीन लाइन, इसी तरह ब्लू है एक, बहुत अच्छी पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा इन्होंने गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है ये बस, तो अच्छी बात है पब्लिक के आराम के लिए, बहुत गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए। मामा ये अभी आप दिखा देना ठीक है, ऐसे बैक कैमरे से सही है। नहीं नहीं, आपकी आ रही है अब। अब ये सही है, ये वो बिल्डिंग है जिसमें रजब बटा के इतने वो बिल्डिंग है। ये खूबसूरत अरेंजमेंट की भी है, ग्रीन बेड्स की देखें, इतनी खूबसूरत है, देखें इतनी खूबसूरत नर्सरीज है यहाँ पे साइड्स पे आएंगी। और हम लोग यकीन करें परसों यहाँ से गुजरते हुए हमें रुकना पड़ गया क्योंकि इतने खूबसूरत इनके पास ये गमले हैं, इतनी प्यारी चीज़ें हैं कि, और इतने खूबसूरत पौधे हैं कि वाकई जाते हुए हम लोगों ने यहाँ से पौधे ख़रीदे भी हैं। ये देखें, ये इतनी प्यारी नर्सरीज है कि अगर हम किसी दिन इंशाल्लाह एक व्लॉग बनाएंगे इसका भी और आपको अंदर नर्सरीज और इनके अरेंजमेंट्स पौधों की ये देखें सारा दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत पौधे हैं ये, गमले क्यारियाँ सब कुछ है। और एक और मज़े की बात, अभी तो यहाँ पे ये सिर्फ पौधे और गमले नज़र आ रहे हैं ना, तो सर्दियों में यहाँ पे फिश स्टॉल होते हैं सारे, ये पूरी लाइन जो है ना ये दोनों साइड पे ये फिश स्टॉल होता है और इतने यहाँ पे मछली वाले होते हैं और हर तरह की हर किस्म की मछली होती है यहाँ पे, बड़ी छोटी दरिया की डैम की हर तरह की मछली यहाँ पे होती है। बहुत मज़े की, और हम अक्सर यहाँ से मछली भी लेते हैं। आपको मेरी मामा की ब्लॉगिंग अच्छी लगी होगी। नहीं जी, हम पहुंच गए हैं NIH, ये हमारे लेफ्ट साइड पे है, यहाँ से भी हम एंटर होंगे। वो बोर्ड लगा तो यार सिगरेट ये कोविड का इधर सर दिखाता हूँ, बस उतार ना खाली इधर से उतार दो तो गाड़ी आ रही है। चलो, अल्लाह हाफिज़।
चलें जी अलहमदुलिल्लाह, छोड़ दिया भाजी को, अब घर जाके मैं तो सो जाऊंगा, टोन हो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। चलिए जरा दवाई ले लेते हैं, दवाई चाहिए थी एक मोसिट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, नोसिट है अंकल? कौन सी दवा? एक बता देते नोसिट का। कौन से? नोसिट 270। ये दवाई थी ले ली, अब चलते हैं घर। मैं सोने लगूं, अल्लाह हाफिज़। ये मुनसफ आया हुआ है, घास से शादे काट रहा है, शोर हुआ है घर में, मैंने कहा नींद तो आ नहीं रही, उठ ही जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो बाबा जान ने घर के बाहर जो है वो सेट की है। फूल शूल लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, फल के दरख्त लगाए हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो बाबा ने जो है ये सेट करवाया सारा, ठीक है, ये डिज़ाइनिंग वगैरह भी, ये फूल शूल इनको पानी देते रहते हैं, मगर जो है ना गर्मी की वजह से जो है ना ये भी थोड़े सूख रहे हैं, बट ये इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। और ये बीच में रास्ता आ जाता है, ठीक है, चलने का। इधर जो है ये वाला, ये इन घर का, ये हमारा, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो है फल दिखाता हूँ, फल लगे भी आड़ू लगे भी थे तो, बट 4-5 लगे थे, उनका साइज़ जो है ना अच्छा बड़ा हो गया था, मगर बच्चे है वो तोड़ के जो है ना वो ले गए, हालांकि अभी कच्चे थे, मगर अभी रहते ना तो सही पक्के हो जाते, बड़े हो जाते, वो अब तो नहीं है खैर फल, मगर पहले लगे हुए थे। तुम्हें तो मैंने आज नहलाना है, ठीक है, तुम्हारे में जो है ना मिट्टी बहुत लगी हुई है, तुम्हें मैं आज मैंने सफाई करनी है तुम्हारी। जैसा कि आपको पता है कि ईद करीब आ रही है, तो मामा जो है ना, मामा बरका से और इससे जो है ना इन दो से दुआएं करवाती हैं। मामा दुआ करवाएं ना बरका से, मैंने क्लास से बहुत दुआएं करवाई हैं, क्लास ने इतनी बहुत से दुआएं सुनी हैं, बरका शरारत के मूड में, आज बरका काबू नहीं आ रहा, लेकिन इकरार ने बहुत ज्यादा दुआएं की हैं इनको ये पास कर रखे। करो दुआएं करो, क्या हाल है, क्या दुआ करनी है आपने सबके लिए? अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाने, क्योंकि जब आपके पास एक साल से ज्यादा कोई एक चीज जानवर हो, कुछ भी हो, आपको ना उससे प्यार हो जाता है और इनको भी जो है ना हमसे बहुत प्यार हो गया। बाबा जान आते हैं सुबह, आते हैं ना बाहर सुबह सुबह, खड़े हो जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, ये खाना तो प्यार करते हैं, ये रूटीन जो है हमारी सेट हुई भी है ना, ये ऐसा ऐसा जो है ना ईद के बाद थोड़ी बहुत अल्लाह ताला इनको कबूल करे, लग रहे हैं नहीं तो क्या पता वीडियो में आपको छोटे लगते हो, मगर माशाल्लाह से अभी भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन बहुत माशाल्लाह। ओहो क्यों मार दिया है? पड़ी है जोर की मार को क्यों? और यहाँ पे चिड़ियों ने घोंसला भी दिया था, दो बुलबुल बुलबुल थे ना, हाँ, बुलबुल पता नहीं, मुझे लग रहा है कि है नहीं अब बच्चे, शायद ये घोंसला है बुलबुल का था, बच्चे नहीं है वो, क्योंकि तीन बच्चे थे, एक बच्चा जो है 4-5 दिन पहले इधर नीचे पड़ा हुआ था, दो बच्चे नीचे गिरे हुए थे, तो मैंने जब देखा तो एक बच्चा तो मर गया था, एक ही जो है वो सांसें चल रही थी, तो उसको मैंने उठा के वापस जो है ना घोंसले में रख दिया था, उसके परिंदे भी बोल रहे थे काफ़ी, तो मैंने उठा के घोंसले में रख दिया था। अब पता नहीं उन्होंने जगह चेंज कर दी है, मैं देखता हूँ एक दफ़ा, आपको भी दिखाता हूँ साथ में। अभी ये पता नहीं वीडियो में पता चलेगा कि है कि नहीं, ये अब एडिटिंग के बीच में पता चलेगा ये हैं या नहीं है। बाकी दूसरे वाले दरख्त में जो है वो उसमें हैं बच्चे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। बोलने लगे वो आगे माँ बाप हैं, वो परिंदे आ गए साथ ही, हाँ वो बैठा वो उड़ के गया, इनके इसका मतलब है कि हैं, इसका मतलब बच्चे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं, बस ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे उनको, दिखाएं। ये मामा बाबा जान को बहुत शौक है असल में ना पौधों का, गमलों का, इंडोर आउटडोर दोनों का। ये अभी जो मैंने आपको रास्ते में जाते हुए बताया था ना कि वो टेक्सचर दाल की नर्सरी से हमने पौधे खरीदे थे, ये हमने
ये है जीनिया, जीनिया लिया था वहाँ से। कौन सा? ये तीन, ये चारों जीनिया है और ये बिल्कुल बंद थे इस तरह। ये हमारे घर आके फूल खिले हैं, परसों तो हम लेकर आए हैं। ये आप सबके लिए फूल, ये टमाटर लगे हुए हैं जी, ये फूल भी बहुत आए हैं, इसी तरह आगे भी लगे हुए हैं। आगे वाला दिखाता हूँ मैं आपको, प्याज है सारा, प्याज है, अच्छा शिमला मिर्च, ये टमाटर लगे हुए हैं, और ये देखिए शिमला मिर्च, देखो ये शिमला मिर्च, ये देखिए शिमला मिर्च, ओए होए होए होए, ये चक्कर है जी, शिमला मिर्च हो रही है ना, लेकिन फिर ये गोलाई में जाएगी, फिर ये राउंड सर्कल सा बनेगा, ये बन गई है, ये इस शेप बन गई है, ये सारे शिमला मिर्च, ये सारे शिमला, ये फूल आ रहे हैं। वो बैंगन देखो, बैंगन रेडी हो गया है, किधर वो नीचे, ये ये नीचे बैंगन, बैंगन रेडी हो रहा है, ये दो बैंगन है, भिंडी, भिंडी बेस्ट, ये देखिए भिंडियां तैयार हो गई हैं, ये सारी भिंडी, ये देखो कितने छोटे छोटे पौधे में भिंडी लगी हुई है, माशाल्लाह इतनी भिंडी, भिंडी बेस्ट है, भिंडी खा लेते हैं, भिंडी गोश्त, आए हाय 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 आए हाय हाय। मैं सबसे ज्यादा बच्चों को भिंडी पसंद है, लेकिन मुझे सारे अंगूर है यहाँ पे, आम लगेंगे बच्चे ना, ब्राउन ब्राउन से सारा अंगूर करने लगे, और रैक्स को नहलाने लगे हम, अच्छा रैक्स कंट्रोल करो अपने आप को थोड़ा सा, अच्छा रैक्स जो है ये बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अभी कुछ टाइम इस पे लेना है संभलने के लिए। ये तीन चीजें हैं रैक्स की नहलाने की, इन तीन से जो है ना इसको जो है ना मैं नहलाऊंगा। नहीं जी, ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं आज, 15-20 मिनट लगेंगे नहलाने में इसको। नहीं जी, फाइनली नहला दिया रक्स को, तो कैसा लग रहा है? ब्लॉग भी मैं कर रहा, तो बाजी को लेने जाना है 12:30 तक, उसको लेके फिर एडिटिंग वगैरह कर लूँगा, तो ब्लॉग भी एंड कर रहा, तो उम्मीद आपको पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, अल्लाह।